ओ भाई साहब यार, फाइनली एस किस्म जो है एनिमे सीरीज से बाहर नहीं जा रहा है। मतलब भाई साहब कितनी ज्यादा अच्छी बात है ना, बताता हूँ मैं। सब्सक्राइब कर दो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो हमको लग रहा था ना कि आखिरी 11 एपिसोड जो है सबसे खतरनाक होने वाले हैं, मतलब इस किस्म की जो एटीट्यूड, जो साइड हमको देखने को मिलेगी ना, हम पागल हो जाएंगे। बट सीरियसली ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लिटरली ये एपिसोड जो है ना मीडियोकर है। बस क्वाडल वाला एपिसोड सबसे अच्छा था, वरना बाकी सारे एपिसोड काफी बेकार थे। मैं ये बोलूंगा कि बाकी सारे एपिसोड यार बिलो मीडियोकर भी हो सकते हैं, बिलो एवरेज भी हो सकते हैं। बट कोई ना, जहां तक हमको देखने को मिल रहा है एपिसोड 9 तक यार हमारे पास एपिसोड आ चुके हैं। क्या क्या होने वाला है, सिर्फ यार आखिरी के 2 एपिसोड में ये बंदा नल्ला एज किचन कैसे बन सकता है पोकेमोन मास्टर, मुझे बताओ। और ये बात तुम्हें पता है, जब तक एज किचन पोकेमोन मास्टर बनेगा नहीं, वो एनिमे सीरीज से बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। अनटिल और अनलेस पोकेमोन वाले पोकेमोन मास्टर को मजाक बना दे और बोले पोकेमोन की हेल्प करना पोकेमोन मास्टर है। बता रहा हूँ भाई साहब, दिमाग खराब नहीं करना है मेरा, ऐसे काम करो ही मत। फिर भी यहाँ पे हमको पता है एक किस्म पोकेमोन मास्टर नहीं बनेगा, ये पहला प्रूफ है कि एक किस्म एनिमे सीरीज से बाहर नहीं जा रहा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये मेरे सब्सक्राइबर की थ्योरी है जिन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज करके ये बताया। यानी कि यार ये 11 एपिसोड के अंदर, एंडिंग के 2 एपिसोड के अंदर हमारा हीरो एक किस्म जो है वो ये डिसाइड करेगा, वो ये सोचेगा, वो ये जानेगा समझेगा कि पोकेमोन मास्टर होता क्या है। फिर जो अगली सीरीज आएगी उसके अंदर वो ट्रैवल करेगा और बनेगा M2B पोकेमोन मास्टर। मतलब ये पोकेमोन मास्टर वो अगली रीजन बनेगा। बस इसमें वो जानने वाला है, हम ऑडियंस को बतलाने वाला है कि पोकेमोन मास्टर होता क्या है, और कहीं ना कहीं सेंस भी बनाता है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साहब यार नई सीरीज आ चुकी है, डेट जो है अनाउंस हो चुकी है 1 अप्रैल। भाई अप्रैल फुल होगा, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पोकेमोन कंपनी है, ऐसे अप्रैल फुल तो बनाएगी नहीं, लेकिन बना दो, मुझे क्या, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी ये वाली सीरीज के अंदर अभी हाल ही में न्यूज़ निकल के आई है कि ये लड़की जो है पालदियन रीजन से होने वाली है। मतलब जो हमारी थ्योरीज थी कि भाई साहब यार ये लड़की जो है वो इस किस्म की बेटी है, वो पूरी तरीके से शायद तक अब गलत हो चुकी है। बिकॉज अगर ये इसकी बेटी होती तो ये कैंटो रीजन से होती। बट एक मिनट यार, क्या हो ये एस की वाइफ की बेटी हो और एस की वाइफ जो है पालदियन रीजन से बिलोंग करती हो। काफी ज्यादा सीरियस तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है। लेकिन जहां तक मुझे अब लग रहा है शायद तक ये इसकी बेटी नहीं है। तो यार अगर ये इसकी बेटी नहीं है तो यार अच्छी बात है ना, क्योंकि यार अगर ये इसकी बेटी होती तो हमको इस किस्म की जर्नी फ्यूचर में देखने को ही नहीं मिलती। तो डेफिनेटली ये दूसरा प्रूफ है कि यार ये इसकी बेटी नहीं है, डेट्स मीन यार इस किस्म एनिमे सीरीज में होने वाला है और उसकी जर्नी भी हमको आने वाले समय में दिखाई जाने वाली है। एंड अगला प्रूफ हमको दिखता है कि यार हमको इस प्रीव्यू में, मतलब स्कारलेट एंड वायलेट की जो सीरीज है अप्रैल मंथ में आने वाली है, उसके प्रीव्यू में हमको एक साइनी रेक्वाजा देखने को मिलता है। अब यार तुम्हें पता है, हमें भी पता है कि यार पोकेमोन की ऑलमोस्ट जितनी भी मूवी है वो कैनन है, कैनन माने एनिमे सीरीज से कनेक्टेड है। और हमको, तुम्हें सबको पता है कि यार हमारे मेन यूनिवर्स में जहाँ पे एस किचन वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, उस वाले यूनिवर्स में रेक्वाजा जो है नॉर्मल फॉर्म में बिलोंग करता है। यहाँ पे कोई साइनी बाइनी रेक्वाजा नहीं है। कुछ लोग महापुरुष लोग आएंगे, बोलेंगे कि भाई हुक्का अनबाउंड वाली मूवी में नहीं देखा, वहां पे साइनी रेक्वाजा आया था, तो गलत है भाई साहब। वो हुपा पोकेमोन ने दूसरे डायमेंशन से, दूसरे मल्टीवर्स से उस पोकेमोन को, मतलब साइनी रेक्वाजा को हमारे यूनिवर्स में लाया था। तो क्या हो उसी यूनिवर्स के रेक्वाजा की कहानी, मतलब जिस यूनिवर्स से वो रेक्वाजा आया उस स्टोरी की, उस यूनिवर्स की कहानी हमको दिखने वाली है। और उसी यूनिवर्स की लड़की जो है वो ये रिको यानी लड़का रोई होने वाला है। बट क्या हो यार पोकेमोन मास्टर मतलब हो पूरे मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेनर बनना। दैट्स व्हाई हमको इसकी कहानी दिखाई जाने वाली है। और जैसे ही ये कहानी पूरी हो जाएगी एक साल में या फिर कुछ महीनों में, फिर हमको इस किस्म दिखाया जाएगा इस यूनिवर्स में एंटर होते हुए, ताकि वो बन पाए सबसे पावरफुल ट्रेनर। तो पॉसिबिलिटीज काफी सारी है। अब मुझे लग रहा है कि भाई 40% चांस है कि इस किस्म जो है एनिमे सीरीज में होने